और दिल्ली एनसीआर में 90 में आया था, और 90 से आने से पहले जब मैं छोटा था, मतलब 5 से 7 साल के होंगे, उससे पहले मेरे दादाजी जो थे वो 5 थे, और पांचों दादाजी कभी स्कूल नहीं गए थे। काम था मिट्टी का और खेती का, मिट्टी और खेती काम करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। उसके बाद उनका ऊपर का रिलेशन टिकट आया और उन्होंने चले गए। हम बड़े दादा के पोते हैं, उनके 2 बेटे थे, एक हमारे पिताजी और उनके एक भाई थे, यानी हमारे चाचा जी, वो भी कभी स्कूल नहीं गए, वो भी मिट्टी और खेती में काम करते हुए, हमारे पिताजी और माताजी भी इस दुनिया से चल बसे हैं, वो जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, मुझे देखते होंगे, उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने माता जी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे पिताजी का, हम 4 भाई हैं, 2 बहन हैं, हमसे बड़े हैं, भाई भी हमसे 2 बड़े हैं, 1 छोटे हैं। जब हम छोटा सा थे तो कभी हम भी स्कूल नहीं गए, हम जैसे छोटे थे, हमको भैंस चराने के लिए किसी के घर में लगा दिया गया। यस, मन तो नहीं करता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी था, घर भी हमारा ऐसा ही था, कपड़े का था, जब बारिश होता था तो टपकता था, उस चीज़ को मैं देख रखा था। मैं सोचता था कि मेरे को भी शादी होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, कहा इसी घर में रहेंगे। भैंस चराते हुए 5-7 साल बीत चुका, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे भी मन करता था मैं भी पढ़ूं। जिस घर में मैं भैंस चराता था, उनके घर में एक मास्टर रहते थे, मैं भैंस को चराने के बाद शाम को खाना उनको चारा लगाने के बाद जब सोते थे तो मास्टर जी और हम दोनों एक ही रूम में सोते थे, तो मास्टर जी हमसे मतलब ऐसे बातें करते थे, बना तुम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सर हमारे हालात ऐसा है, हमारे पिताजी और माताजी, हो सकता है उनकी क्षमता नहीं है कि मुझे स्कूल भेज सके। तो हमको मन अच्छा नहीं लगा। 5-7 साल के बाद हमने पढ़ाई मतलब भैंस चराना छोड़ दिया, जीत करके नमी हमने भैंस नहीं चराऊंगा। तो मेरा एक दोस्त था, उसी 1-2 महीने के बाद स्कूल में पेपर होने वाला था, आज वो नोएडा में है, उपेंद्र जी, उन्होंने 5 रुपया जाके अपने पैसे लगा कर मेरा स्कूल में एडमिशन करवा। मैं पहली क्लास में 15 दिन बाद पेपर होने वाला था, उसमें 2 सवाल आए थे कि मतलब सूरज कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, दोनों सवाल दूसरे को लिखवाया, मैंने लिखा, पास हो गया, दूसरा क्लास में गए, दूसरा क्लास को मन लगा के पढ़ा, लगातार पढ़ा और लगातार पढ़ने का नतीजा है कि मैं फर्स्ट क्लास आया। मैं तीसरी क्लास में गया, लेकिन तीसरी क्लास को मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुका था, जिस क्लास में पढ़ते थे बच्चे बड़े बड़े थे, बहुत कुछ मुझे कहते थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने तीसरी क्लास में उस स्कूल को छोड़ के दूसरे जगह खड़िया है, वहाँ लिखवा दिए चौखा में जाके, वहाँ मेरा रोल नंबर 42 था। 1 साल पढ़ाई किए, पढ़ाई को करने के बाद पास किए, रोल नंबर 21 आया, मैं उसको भी छोड़ के 6ठा में एडमिशन करवाया, 6ठा पढ़ा, पास किया। उसी बीच में हमारी शादी हो गई 90 में, और शादी होने के बाद 4 दिन के बाद मैंने दिल्ली आ गया, और दिल्ली आया तो कभी ट्रेन देखा नहीं था, ट्रेन पर कभी चढ़ा नहीं था, उसमें मतलब जनरल बोगी भी होता है क्या, रिजर्वेशन भी होता है क्या, उसमें एसी बोगी भी होता है क्या। जिस प्लेटफार्म पे आए, टिकट करवाए, एक कुली मिला, उन्होंने 5 रुपया लिया और रिजर्वेशन बोगी में घुसा दिया। हम 2 भाई थे, एक हमारे गाँव के ही थे, दोनों दिल्ली आए तो रिजर्वेशन बोगी में तो घुसा दिया, लेकिन जब जैसे इलाहाबाद क्रॉस किए तो टीटी तो कोई रात में मिला नहीं, लेकिन पुलिस वाले ने मिला, बोले भैया तेरा टिकट तो जनरल का आए, स्लीपर में कैसे सफ़र कर रहे हो। लेकिन सर मुझे तो पता नहीं है कि जनरल क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, बोले तो कुली चढ़ा दिया, बोला तो 10-10 रुपया दो, तो 10-10 रुपया देते हुए हम दोनों लोग दिल्ली पहुँचे, और दोनों लोग के पास दिल्ली पहुँचने के बाद 55 रुपया जेब में था,
और 55 रुपया में हम लोग का नोएडा आना था। नोएडा में कोई मुझे पूरा उतना याद नहीं है 90 की, लेकिन याद यह है कि प्रिया केबिन नाम का है, वो सेक्टर 9 में हो या 10 में हो या 11 में हो, लेकिन प्रिया केबिन नाम का एक फैक्ट्री है, उसमें वायर बनता है। और जिनके माध्यम से हम आ रहे थे उसमें हमारा एक गाँव का ही व्यक्ति रहते थे, हमारे भाई लगते हैं, उन्हीं का चिट्ठी लेके आए थे। उस समय फोन नहीं होता था कि हम बात करें कहाँ मिलता है कैसे मिलना है। तो ऑटो वाले से भैया से बोले भैया मुझे नोएडा जाना है, ये एड्रेस है। तो बोले भैया मैं पहुँचा दूँगा, 50 रुपया दूँगा। नई दिल्ली से नोएडा आने के लिए उस समय ऑटो वाले ने 50 रुपया दिया। मैंने उनसे बोला भैया मेरे पास 50 रुपया ही है, अगर हमारे भाई नहीं मिलता है, जानने वाला नहीं मिलता है, तो हमको आपको स्टेशन ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब जैसे तैसे करके फिर गाँव चले जाएंगे। जब हम जैसे ऑटो वाले भैया बोला कि ठीक है नहीं मिलेगी तो हम आपको आके यही छोड़ देंगे। ऑटो वाला भैया को भी नमस्कार, उन्होंने भी इतना शाबाशी दिया कि हम वो छोड़ देंगे। नोएडा आए, जिनके पास आए थे वो उसकी छुट्टी में थे, कंपनी तो मिल गया, लेकिन उनके जानने वाले थे, हमारे एक जिला औरंगाबाद से थे, उन्होंने लंच में अपनी कंपनी से छुट्टी लेके साइकिल से वो कंपनी से आते थे दिल्ली से। तो तीनों को साइकिल पे हम दोनों भाई को बैठाए, वो अपने खुद साइकिल चला के हमको कुटली छोड़े और वहीं हम लोग रहे। वहाँ से हमको दूसरे जगह साइड पर ले गया गया काम के लिए। परपड़गंज में एक कंपनी थी बीके नाम के, वो फ्लैट बनाती थी। तो उस फ्लैट में हमारे एक दो लोग जानने वाले थे जो वायरमैन का इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, तो हमको